हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में बेटा आपको बोला गया है अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट हुज एज आर गिवन। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड द एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड फाइंड मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमने जो गिवन है वो राइट किया। आपको दी गई है क्लास, दी गई है 15 स्टूडेंट की, ठीक है। उसमें एज दी गई है 15 स्टूडेंट की। एक्स जो है आप रैंडम वेरिएबल वो दिया गया है जो रिकॉर्ड कर रहा है एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। आपके पास 14 ईयर जो एज दी गई है वो 2 स्टूडेंट की दी गई है। ऐसे आपने जो देखा यहाँ पे 16 ईयर जो एज है वो 2 स्टूडेंट की है, 17 ईयर जो है 3। तो टिल आपने 21 एज तक आपने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली कि कितनी बार आपके पास कौन सी एज है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14, मतलब जिसकी एज क्या है 14 ईयर है, तो वो कितने हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या रही होंगी, वो यही 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। एक्स की जब हमारे पास स्टूडेंट की एज क्या है 14, तो कितने स्टूडेंट है वो 2 बाय टोटल कितने हैं 15। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15, तो कितने हैं वहाँ पे 1 बाय 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16, कितने हैं वहाँ पे 2 बाय 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, तो कितने स्टूडेंट हैं 3 बाय 15। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, 1 बाय 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, टोटल स्टूडेंट 3 और 15, फेवरेबल आउटकम 3 एंड टोटल एक्स इज इक्वल टू 21 और कितने हैं 1 बाय 15। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे देंगे, इस साइड आ जाइए। आपके पास है 14 एज के कितने आए स्टूडेंट 2 बाय 15। फिर आपके पास है 15 के कितने थे 1 बाय 15। 16 के कितने थे आपके पास 2 बाय 15, ठीक है। 17 के कितने थे 3 बाय 15। 18 के 1 बाय 15। 19 के आपके पास 2 बाय 15। 20 के 3 बाय 15। फिर 21 के 1 बाय 15, ठीक है। ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मीन फाइंड करना है इसका। तो मीन आ जाएगा समीशन एक्स इज इक्वल टू एक्स आई और पी आई। तो निकालिए मीन, सबके नीचे 15 आ जाएगा, 14 एक्स आई मल्टीप्लाई में पी आई। तो 14 टू 28 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 51 प्लस 18 प्लस 38 60 प्लस 21, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, टोटल करिए आप इसका, कितना आ जाएगा 263। 15 से डिवाइड करिए, 3 से हो जाएगा 3 5 ज़ा, अब 3 8 ज़ा, ठीक है, 3 से करें आप 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पे 2 3, तो 3 से नहीं होएगा ये, किससे होएगा आपके पास 5 से होएगा, 5 से भी नहीं होगा ये, करिए किससे होगा, कितना आया था 263/15, ठीक है। 3 से हुआ था यहाँ पे, 3 24 हो रहा है और 2 3 नहीं हो रहा है 3 से, तो आप इसको डिवाइड करिए 15 से, 15 1 ज़ा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 15 1 से किया आपने, 15 आ गया, 16 6 में से 1 1 3 और 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 15 7 ज़ा आ जाएगा 105
और ये आ जाएगा 13 में से 5 गया 8, पॉइंट ज़ीरो ले लेंगे यहाँ पे, पॉइंट आ जाएगा। अब 15 फोर ज़ा 60, 15 फाइव ज़ा 75, ठीक है, 50, 15 थ्री ज़ा 45, तो ये वैल्यू आ गया आपकी 17.53। ओके, ये वैल्यू आ गई, आपका मीन आ गया। चलिए अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो वो आता है अपना, पहले आप ये फाइंड करेंगे फिर वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर करेंगे आप। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 को आप करेंगे 2 से, तो वो आ जाएगा 392, प्लस 15 को करेंगे 225 आ जाएगा, प्लस 16 को करेंगे कितना आता है, 16 को 256, 256 का डबल क्या हो जाएगा, 256, 2 यहाँ पे 15512। फिर आपके पास 17 का स्क्वायर 289, 289 को 3 से करेंगे कितना आता है, 289 को 3 से, तो 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24, 24 ओ 2 26, 3 2 ज़ा 6, 6 ओ 2 8 8 6 7, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर प्लस 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का 361 को डबल करेंगे 722 आ जाएगा, प्लस 20 400 3 1200, फिर प्लस होएगा 21 441, ठीक है। चेक कर लो एक बार, वैल्यू यही है आपके पास, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या आ जाएगा, 15, सबको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ 4683/15। ओके, ये आ जाएगी, कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना आप बेटा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 15 से आप इसको 3 से काटो, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा। अब 5 से इसको कर लीजिए सॉल्व, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा अगेन 5 2 ज़ा, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब आप वेरिएंस फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे आप, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 312.2 माइनस इसकी वैल्यू आई थी ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17.73। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा क्या वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू आएगी, 307.411, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, 17। तो आप इसको अब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 312.2307417। तो माइनस करा आपने, यहाँ पे आ गया 39 में से बन गया 8 एंड 11 में से 7 4, तो यह आएगा 4.783। ये वैल्यू आ गई, आपका वेरिएंस आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए अब आप यहाँ इस साइड आ जाइए, ये मैं इरेज कर रही हूँ। अब बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास ये आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 4.783, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, बोलिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी, आपको इसको सॉल्व करना आता है, करिए फिर, ये देखिए ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, 4.783। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट है ना यहाँ पे, तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 7 8 आया, इसको प्लस कर लेंगे दोनों को, 4 और ये 1 1 से हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा बीच में, 41 7 3, अब 3 और 0 ले लीजिए, ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4142, 42 है यहाँ पे। अगर हम इसको 9 से करें, 429 मल्टीप्लाई 9, 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 और 8 26, 9 4 ज़ा 36, 36 और 2 38। मतलब अप्रॉक्स ले लिया आपने, आगे कर लिया इसको, ठीक है। अगर हम पीछे करेंगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू हमने ले ली। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, या इस साइड लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2.19। आंसर आ गया इसका 2.19। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।